हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ना मैं छत पर आई हुई हूँ अभी, मतलब मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ। तो इधर मतलब कि थोड़ी सी रोशनी आ रही है सूरज के, और वैसे भी ना मतलब कि बादलों के अंदर सूरज छुपे हुए हैं। तो मतलब कि ऐसा चल रहा है क्योंकि सूरज भी है ना, मतलब कि उनको भी थोड़ा बारिश वगैरह चाहिए ना, तो वो भी बादलों के पीछे छुपे हुए रहते हैं। मेरे को नहीं पता मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है इस बार। चलो कोई बात नहीं, उनको तो छुपा रहने दो क्योंकि बारिश इस बार बंद नहीं होने वाली है। तो इधर मौसम फिर से बन गया है, यानी कि बादल ही बादल हो गए हैं। तो इधर मैं अपने बालों को एक बार सुलझा लेती हूँ क्योंकि ये शाम का वक्त है। और इधर मैं मतलब ये देख लीजिए, बादल थे ना जो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो वो सीलन के कारण हैं। जो बरसाती मौसम होता है ना, तो बरसाती मौसम में वैसे भी बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, जिसके कारण से मतलब बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। सीलन के कारण हो रहा है ये सब, सीलन होती है ना इसी के कारण हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता था। तो कोई बात नहीं, टूटने दीजिए, इसका भी इलाज करेंगे। बहुत बार वैसे तो मेरे को दुख तो बहुत होता है कि बाल टूट रहे हैं, तो जब तक मतलब कि बालों को धूप नहीं मिलेगी, जब तक अच्छे तरीके से नहीं सूख पाएंगे, तो बाल तो ऐसे ही टूटेंगे। और बारिश तो इस बार बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, जिसके कारण से धूप निकल आए, ऐसा नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। बारिश बंद हो तो धूप निकले, बारिश बंद नहीं हो रही है तो धूप ही नहीं निकल रही है। छत पर आई हुई हूँ मैं, मैंने कहा कि चलो अपने वालों को सुखा लूँ। इधर मैं वालों को सुखाने लगी हुई हूँ। वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, ये देखिए कितने सारे बाल टूटे हैं। कंघे में से भी निकालना मुश्किल हो रहा है, ये देखिए कितने सारे बाल टूटे हुए हैं। तो फिर निकालूंगी, पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ क्योंकि उमस है, यानी फिर से बारिश होएगी शाम तक या रात तक, फिर से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, उमस है। तो अभी तो मैं फिलहाल जूड़ा लगा लेती हूँ, जब रूम में जाऊँगी तब मैं अच्छी तरीके से चोटी करूँगी। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं छत पर जाकर बैठ लूँ क्योंकि ना परेशान हो जाते हैं हम लोग रूम में बैठे बैठे, मतलब कि हवा रूम की ही लो। तो मैंने कहा कि चलो अभी तो बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो चलो छत पर बैठ के आते हैं। और फिर मतलब कि अगर बैठ भी जाओ तो टीन के नीचे टीन भी टपकती रहती है बारिश के कारण, वो भी बंद नहीं हो रही है। तो इधर मतलब कि बहुत सारे कीड़े उड़ रहे हैं, जो बारिश होती है ना, बारिश के अंदर जो कीड़े उड़ते हैं ना, वो बड़े बड़े से जैसे टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे के जैसे होते हैं। तो मतलब कि उनको जब हम छोटे छोटे थे ना, उनको हम हेलीकॉप्टर बोला करते थे, बट उनका नाम कुछ और है। होते हैं मतलब कि टिड्डे जैसे ही हैं, उनको हम बचपन में कुछ और बोला करते थे। तो इस कारण से मतलब ये कीड़े बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, जब जब ये कीड़े मतलब कि उड़ते हैं ना, तब तो और भी ज़्यादा बारिश होती है। जब तक ये कीड़े उड़ना बंद नहीं हो जाते, तो मतलब कि इसी तरीके से बारिश होती रहती है। तो मैं तो बस ना मतलब कि बस उन्हीं मतलब कि जो से छोटे छोटे थे, उनको नाम ही हमने दिया था क्योंकि वो आगे से उनका जो मतलब कि मुँह है होता है ना, वो बिल्कुल ना जो हेलीकॉप्टर होता है ना, उसी तरीके से लगते हैं। मतलब कि बिल्कुल टिकटॉक, मतलब कि उसका आगे से जो कट होता है कीड़ों का, हेलीकॉप्टर आपने देखा जब आसमान में उड़ता है ना, वो उड़ते हुए किस तरीके से लगता है, सेम टू सेम ना वो कीड़े भी इसी तरीके से लगते हैं, जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो इस तरीके से लगते हैं। तो उस मतलब बचपन में जब मैंने देखा, तो मैंने उसी को इसी तरीके से नाम दे दिया। जो भी मेरे छोटे बहन भाई थे ना, वो भी उसको हेलीकॉप्टर ही बोला करते थे। तो मतलब कि कीड़ों का नाम तो मुझे पता नहीं था, और अभी भी बता दूँगा, अभी भी वास्तव में मुझे इन कीड़ों का नाम नहीं पता है। होते हैं टिड्डे के बराबर होते हैं, बट ना वो उनकी संख्या तादाद है ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने चोटी वोटी कर ली थी, तो आप सोच रहे होंगे कि आज मतलब कि सब कुछ बदला बदला सा कैसे लग रहा है, तो पूरी बात बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, इधर मैं अपने ना घर पे आई हुई हूँ, यानी कि मैं अपने मायके गई हुई थी, तो यहाँ पर ना कुछ फंक्शन था,
तो इसीलिए मैं गई हुई थी, बट ना वो फंक्शन की मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बस ना ये चाहती हूँ कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो में अगर जो कोई भी ना व्यक्ति ना अगर ना आना चाहता है ना, तो मतलब कि पूछ लेती हूँ कि वीडियो में आना है कि नहीं। इधर मैं मसाला तैयार कर रही थी, मैं इधर ना मसाला बना रही थी, उसको हमारे यहाँ पे कुंदी घोटा बोलते हैं, और इसके अंदर हम लहसुन प्याज मसाला सारा तैयार कर लेते हैं। इधर भरमा तोरी बनाने जा रही थी, तो फ्रेंड्स ना फिर उसके बाद मैं ना अपने घर पर ना मौज मतलब कि हंसी मजाक करते हुए करते मैंने खाना बनाया। फिर नेक्स्ट डे सुबह, तो एक बार फिर से मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ना ये मतलब कि नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो है, वो कल का था। फिर उसके बाद मैंने नहीं बना पाया, क्योंकि ना बहुत से मतलब कि ना जने ना किचन के अंदर इकट्ठा हो गए थे, मतलब मैं खाना ना बना रही थी, तो फिर मैंने उसके बाद ना वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती हूँ कि बिना किसी की इजाज़त से मैं किसी का भी अपने ब्लॉग में लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स इधर मैं फिर ना नेक्स्ट डे सुबह को मैं इधर झाड़ू वाड़ू निकाली, ये मतलब कि हमारा फ्रेंड का है, तो ये इधर मैं साफ़ सफाई करने में लगी हूँ। अभी सब लोग हम इकट्ठे हो रखे हैं, जैसे भी हम मतलब कि कुछ ही प्रोग्राम होता ना, हम सब बहने में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और मतलब कि मायके में आके मतलब कि सब लोग ना इकट्ठा हो के खाना खाते हैं और बैठते हैं, अपनी पुरानी बातें करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि पता ही नहीं चलता था दिन मतलब कब निकल जाता था, कब रात हो जाती थी और कब सुबह हो जाता था, क्योंकि रात में लेट सोते थे, सुबह पता ही नहीं चलता था। बट ना हमारे यहाँ पे मतलब कि नियम है ना कि सुबह जल्दी उठना, तो बस है ना मायका हो या फिर ससुराल, हम यहाँ पे शुरू से मतलब कि 4 बजे ही उठे हैं हम, और ससुराल में भी 4 बजे, मायके में भी 4 बजे, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे उठा। मम्मी कब की उठ गई थी वैसे, हमें ना अब मैं अभी लेट उठी हूँ, मम्मी उठ के मम्मी ने झाड़ू वाड़ू निकाली, क्योंकि रात में ही मतलब कि किचन साफ़ करके रख देते हैं, बरामदा साफ़ कर देते हैं, जिससे कि मतलब कि जहाँ पे पूजा वाला रूम है ना उसको बोल रही हूँ, बरामदा किचन और वो मतलब कि पूजा वाला रूम उसको साफ़ कर देते हैं, ताकि ना सुबह उठ के ना पूजा वूजा कर ली जाए। तो मम्मी ने ना सुबह ना झाड़ू वाड़ू निकाल गई थी यहाँ पर, और बस ना ओनली पहुँचा रह गया था, तो जहाँ पर मतलब पूजा वाला रूम था वो तो साफ़ कर ही रखा था रात के अंदर, और ओनली मम्मी ने झाड़ू वाड़ू लगाई, नहाई धोई, और मम्मी ने पूजा पाठ इधर मतलब कि करने आने वाली हैं। जब तक मैंने कहा कि ना अभी वो रूम में कर रही हैं, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर मैं जब तक ना निपटा लेती हूँ। तो इधर हम सब लोग ना काम करने में लगे पड़े हैं, कोई बाहर कर रहा है तो कोई अंदर करने में लगा पड़ा है, तो इसी तरीके से ना काम निपट जाता है। वैसे जब अकेली होती ना तो बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि जब गर्मियों में छुट्टियों में आई थी ना तो अकेली थी मम्मी की हेल्प करने के लिए, तो वो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा काम लगता था। बट अब कुछ भी ऐसा काम नहीं है, मतलब कि कोई कुछ कर रहा है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, बड़ा सा घर हो तो उसमें काम पता ही नहीं चलता कब निपट जाता है। तो अभी तो हम सब के बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, और मतलब बहुत सारी मतलब कि भीड़ भाड़ हो जाती है ना, तो उन्हीं के लिए कभी नाश्ता, कभी कुछ, कभी मैगी, कभी पास्ता, फिर खाना पीना, इस तरीके से टाइम निकल जाता है, दिन का पता भी नहीं चलता। फिर मैं इधर ना बाहर की साइड में पहुंचा करके आ गई थी, आंगन फूटा फाटा पड़ा हुआ है, ये बारिश के कारण फूट गया था, तो मतलब कि यहाँ पे पलस्तर वगैरह करवाया था ना, तो उसके कारण ना फिर ना ये बारिश के कारण ये सही नहीं रहा, मतलब कि सही नहीं सीमेंट था, इसके कारण से सारा आंगन था जो फूट चुका है। पापा बोल रहे थे फिर से करवाएंगे, तो पापा बोल रहे थे कि यहाँ पे वाइट वाली जो टैल होती है ना तो वो लगवाएंगे, तो इसीलिए ना पापा कह रहे थे कि थोड़ा सा और रुक जाते हैं, पहले इसको पूरा फूट जाने देते हैं, या फिर ना नहीं तो तोड़वाना पड़ेगा, तो इसलिए ना क्योंकि वो अपने आप ही अभी और ज़्यादा मतलब कि जैसी बारिश हुई थी ना पहले जब मैं आई थी तब इतना फूटा नहीं था, अब ज़्यादा फूट चुका है, तो बारिश के कारण से ये पूरा गीला हो के फूट चुका है, तो अब कह रहे थे कि इसको ना तोड़वा के बनवाएंगे। बट ना अभी नहीं, दीपावली बाद बोल रहे थे बनवाने के लिए, क्योंकि अभी त्यौहार लग चुके हैं, और ना अभी ना प्रिंट वगैरह करवाना है और घर की साफ़ सफाई वगैरह, तो मम्मी अकेली हैं अभी, उनके पैरों में दर्द वगैरह रहता है ना, तो इसलिए वो बोल रहे थे क्योंकि ना सर्दियों में सही रहेगा, क्योंकि पानी की पूरी व्यवस्था रहेगी, अभी पानी थोड़ा सा कम आता जाता है क्योंकि क्लोज़र चल रहा है, नहर की साफ़ सफाई चल रही है ना, तो इसलिए ना पानी अभी थोड़ी व्यवस्था थोड़ी भंग है, यानी कि कम रहता है पानी। तो इधर मैं थोड़े से कपड़े वपड़े रह गए थे, तो मैं उनको धुल के डाल देती हूँ, बच्चे हैं छोटे
बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको भी ना मेरी बहन वगैरह है उसने नहला दिया है, नहला रही है ये समझ लीजिए। और कुछ मतलब कि कपड़े ना मैंने धो के रख दिए थे जो कल शाम को, तो उनको मैंने सूखने के लिए रात के टाइम मैंने डाल दिया था, सुबह ना उठे जब तक सूख चुका था, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है अपने मतलब कि भरतपुर साइड में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश ही बारिश होती रहती है, पानी बंद ही नहीं है। तो इधर ना मैं अब आंगन में लग जाती हूँ, तो इधर पहले मैं झाड़ लेती हूँ क्योंकि आंगन फूटा हुआ है ना, तो इसलिए इसी तरीके से कंकड़ मिट्टी ना ये चुभेंगे बच्चों के, तो इसलिए मैंने सीख वाली झाड़ू ली है, क्योंकि इससे प्रॉपर तरीके से जो कंकड़ वगैरह ना वो सब निकल जाएंगे। तो मैंने कहा था ना कोई अंदर कोई बाहर इस तरीके से साफ़ सफाई करने में लगा पड़ा है, तो मेरी छोटी सिस्टर है वो अंदर रूम में गई हुई है, वो अंदर मतलब कि पोंछा वोंछा लगा रही है, साफ़ सफाई कर रही है। इधर मैं बाहर मैंने ये वाला कवर कर लिया है, मैं एक साइड मतलब कि बाहर का करके आई हूँ, तो वो मतलब कि अंदर रूम का कर रही है साफ़ सफाई, उसको लगी हुई है करने में। तो मैं इधर ना इसको हटा दे, तो देख लीजिए आंगन फूटा है ना, जिसकी वजह से इतना ये कंकड़ वगैरह निकल रहे हैं। तो मतलब कि बच्चे ना नंगे पैर फिरते हैं, कुछ भागते हैं इधर के उधर, इधर से उधर भागते भागते हैं, तो जिसके कारण से उनके पैरों में ये कंकड़ वगैरह छिप जाते हैं ना, चुभ जाते हैं, तो फिर ना वो रोने लगते हैं, क्योंकि जो छोटी वाली सिस्टर है ना उसका बच्चा भी छोटा है, तो उसको ना जब ना वो भागता है ना बड़े बड़े बच्चों के पीछे, मतलब कि जैसे हमारा बच्चा है और मेरी जो बीच वाली सिस्टर उसका बच्चा है, तो उनके साथ में जब वो छोटी वाली सिस्टर का बच्चा खेलता है ना, तो मतलब कि उसी तरीके से उसके पीछे भागते हो, तो दो तीन बार उसने ना अपने पैरों के तलवों में मतलब कि इस पत्थरों को चुबा लिया है। तो मैंने कहा कि एक बार मैं इसी से हटा के निकाल दूँ, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मैंने झाड़ दिया है। और कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा आपने देखा तो था, कुछ भी ज़्यादा कचरा वचड़ा नहीं था, ओनली फूटे हुए आंगन की बस गिट्टी विट्टी है, सीमेंट वगैरह निकल रहा बस वही है। तो अब आ जाती है इधर ना पोंछा वोंछा करने की बारी, तो बस मैंने ये थोड़ा सा मैं भींगा भींगा सा पोंछा लगा देती हूँ, यानी कि निचोड़ना नहीं पड़ रहा है, तो मैं बस इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मिट्टी वगैरह इसके अंदर फंस गई है तो बस वो पैरों में लग के ना रूम तक ना आए। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पर ना साफ़ सफाई करे ले रही हूँ। तो काफ़ी मायके में तो आपने देख लिया मतलब कि घर काफ़ी बड़ा है, साफ़ सफाई काफ़ी करनी पड़ती है, और ससुराल में भी आपने देखा हुआ है, तो ससुराल में ज़्यादा नहीं है साफ़ सफाई मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस ये है अगर मैं अगर छत पे रोज़ करूँ और रोज़ मैं नीचे झाड़ा बटोर मतलब कि पहुँचा ऊँचा छत पे मैं रोज़ लगाऊँ इस तरीके से करूँ, तो वो रोज़ का रोज़ हो जाएगा, तो हो सकता है मतलब कि ज़्यादा, बट इतना तब भी नहीं होगा जितना यहाँ पर है। तो इधर मतलब कि थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लगभग ना 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5-2 घंटा तब साफ़ सफाई हो करके फ्री हो पाएंगे, इतना वक्त लग जाता है, क्योंकि जो भी ना सामान रखा हुआ है उसको भी साफ़ करना होता है। तो जो आप ये पोंछा देख रहे हैं इसको मैंने ज़्यादा एक बार ना गीला कर लिया है, ताकि ना जो फूटा हुआ है ना इसके अंदर से भी ये मिट्टी चिपक जाए इसी गीले कपड़े से, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा भींगा रखा हुआ है। तो आप चेहरे पे स्वेलिंग देख सकते हैं, पता नहीं सफ़र में चलने की वजह से ऐसा हुआ है या फिर ऐसे ही हो रखा है। तो इधर मतलब कि सब के लिए पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सारे ना बच्चे ना नाश्ता करने में लगे हुए हैं, पकौड़ियाँ खाने में लगे हुए हैं, तो मैं नहा धो के इधर मैं फ्री हो गई थी, तो मम्मी ने कहा प्याज आलू की पकौड़ियाँ बना ले, तो मैं इधर से पकौड़ियाँ बनाने में तलने में लगी हुई हूँ। उधर चाय बन रही है, बड़े से भगोने के अंदर चाय चढ़ा दी है, तो जब बिग फैमिली हो तो इतना ही मतलब कि होता है। तो उधर मैंने फटाफट से ना प्याज की पकौड़ी तैयार कर ले रही हूँ, अब मेरे पास स्टैंड तो था नहीं, तो मैं गई थी तो मतलब कि 2-3 दिन के लिए गई हुई थी, तो मैं इसलिए ना अपना ना स्टैंड वगैरह कुछ लेकर नहीं गई। अब दिक्कत इधर ये आ रही है कि मैं ना इधर कैमरे को कहाँ सेट करूँ, कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, बस इसको मेरे को लग रहा कहीं रख रही थी, तो बस बार बार ना कैमरा सरक जा रहा था, फिर मतलब कि मैंने ना हिम्मत मतलब कि ऐसा छोड़ दिया, मैंने कि नहीं रहने देती हूँ अब, मतलब कि नहीं बनाऊँगी मैं इधर ज़्यादा वीडियो, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मम्मी मतलब कि बोल रही थी कि ना खिड़की के सहारे से लगा दो, तो मैंने खिड़की के सहारे से लगा दिया, और मम्मी भी हैं नहा ली है, और बोल रही थी कान्हा जी को जुमा देना, तो कान्हा जी के लिए मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, तो बिना लहसुन प्याज की बनाई थी, क्योंकि कान्हा जी बिना मतलब कि लहसुन प्याज का खाते हैं, लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए नमक की और मेथी की अजवाइन की मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी आलू डाल के।
उनके लिए वो नहीं डाली है, मतलब प्याज नहीं डाला है बस। तो बस मैंने उनको भोग लगा दिया। ये पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, चाय भी इधर बन के रेडी हो चुकी है। कान्हा जी को भी मैंने पकौड़ियों का भोग लगा दिया है मंदिर में। तो हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। सबको मैंने इधर नाश्ता पानी करा दिया है, चाय भी है और पकौड़ियाँ हैं, सब कुछ नाश्ता उनको करा दिया है। गौ माता भी पूजा वूजा मम्मी सुबह ही करके फ्री हो गई थी, तो खाली ओनली मेरे को ना पकौड़ियाँ बना के और चाय मेरे को पिलानी थी कान्हा जी को। अब बनेगा खाना, तो उसके बाद वो खाना खिलाऊंगी, यानी कि कान्हा जी को जो कुछ बनेगा वो खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ना ये देख लीजिए, फिर मैं मतलब कि चल दी हूँ अपने सफ़र को। तो ये फ्रेंड्स ना मैं मतलब कि आपको पीछे बता रही हूँ, पीछे का जिस दिन मैं आई थी यानी कि बसों में आई थी ना, तो बसों में मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत से निकली थी, फिर हमने ये बस बुक की थी। तो बस है ना कि रिजर्वेशन पहले से करवाना, बुक पहले ही कराना पड़ती है टिकट, तो हमने स्लीपर करवाई थी। तो ये हम निकल गए हैं मतलब कि ना भरतपुर से अपने बीकानेर के लिए। तो ये रही हमारी बस। तो रात में हम होटल पे रुके थे, तो वहाँ पर हमने वहाँ की वॉशरूम वगैरह जाया है, खाना वाना अपना खाया पिया और चाय वाय पी। बेटा वहाँ सो चुका है, इसको मैंने पहले ही खाना खिला दिया था, मुझे पता है वो सो जाएगा। उसको मैंने पहले सवेरे करवा दिया है, क्योंकि बस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बस में बस जहाँ पे स्टॉक होता है रुकती है, बस वहीं पर अपने फ्रेश वगैरह होना पड़ता है। तो बस है ना, अब फिर उसके बाद है ना, हाँ मैंने इधर अपने चल दिए थे, तो मैंने इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है और दो पैकेट मैंने इधर कुरकुरे लिए हैं। फिर इस तरीके से हमारी रात कट जाती है। फिर सुबह वो इस तरीके से होती है, मतलब कि हम है ना अभी हैं मतलब ये करणी नगर, करणी माता है जो करणी माता मंदिर है ना, हम उस एरिया में हैं अभी। हमारी बीकानेर के अंदर एंट्री नहीं हो पाई है। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, सुबह सुबह का बादल भी हैं और खेजड़ी के पेड़ ही पेड़ हैं, यानी कि ना जो मूंगफली की खेती होती है ना वो मूंगफली भी हो रखी है। और ये देखिए धोरे हैं, इसको धोरे टिल्ले बोलते हैं ये। और जो भी आप ये पीछे पेड़ देख रहे हैं ना, ये ना ही कीकड़ वगैरह कुछ भी नहीं, इसको खेजड़ी बोलते हैं। इसके अंदर निकलती है सांगरी। तो बेटा इधर शीशा बंद करने में लगा था, उसको पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ, गुस्सा हो गया, फिर मैंने इधर बंद कर दी वीडियो बनाना। तो बस है ना, फिर अपना क्या है मतलब कि हम दोनों इसी में बैठ गए थे। मतलब मैंने सिंगल ही स्लीपर लिया था, डबल नहीं लिया था। डबल का मतलब कि डबल चार्ज लगता है और सिंगल के मतलब कि कम लगता है। फिर इस तरीके से हमारा एंट्री हुई बीकानेर के अंदर। ये है जूनागढ़ है, जो जूनागढ़ किला बोलते हैं इसको। तो ये देख लीजिए, ये बीकानेर का बहुत ही सुंदर किला है। आप आइएगा जब बीकानेर, तो अब ये जूनागढ़ किला ज़रूर आप घूमिएगा। तो भई हम तो यहाँ पर अपने बचपन से रहे हुए हैं, पले बड़े हैं, इस धरती पे हमारा जन्म भी हुआ है, ये हमारी जन्मभूमि है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पले बड़े भी हैं, तो हमने तो मतलब कि बचपन से इस किले को देखा है, स्कूल की तरफ से कुछ अपने फैमिली के, जब सब घूमने जब भी कोई आते हैं रिश्तेदार सब घूमने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तब भी हम यहाँ पर घूमे हुए देखा हुआ है हमने जूनागढ़ किला। तो बहुत अच्छा है, अंदर से काफ़ी बड़ा है, महल है और राजा महाराजाओं की पोशाक है, बड़ी बड़ी तलवारें हैं। पोशाक आप इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी महाराजा मतलब कि बड़ी बड़ी पोशाक पहनते थे, तो आप इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। जब इतनी बड़ी पोशाक होगी तो आप अनुमान लगाइए उनकी हाइट कितनी होगी। मतलब कि हमारी हाइट ना दिन ब दिन मतलब कि घटती जा रही है, सदियाँ बीतती जा रही हैं और हाइट घटती जा रही है। और उस समय की राजा महाराजाओं की हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे मतलब कि पोशाक से देखने से पता चलता है कि उस टाइम में कितनी ज़्यादा हाइट हुआ करती। तो फ्रेंड्स जब भी आए तो बीकानेर ज़रूर आइएगा, जूनागढ़ किला ज़रूर घूमिएगा। तो इसी के साथ एंडिंग करती हूँ, बाय, फिर मिलेंगे।